हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अखंड साम्राज्य योग के बारे में कि अखंड साम्राज्य योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है। अखंड साम्राज्य का मतलब होता है कि जहां पर आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, आपका स्टेटस, दूर दूर तक लोग उस चीज के बारे में जानते हैं, यानी जो आपकी ख्याति होती है वो दूर दूर तक होती है। और जो भी आपका साम्राज्य है, साम्राज्य मतलब जितना भी बड़ा आपका बिजनेस है, जितना बड़ा आपका व्यापार है, जितना बड़ा आपका नाम है, जितना बड़ा आपका कैरियर है, जो भी, जैसे आप कोई पॉलिटिशियन है या आप कोई फिल्म एक्टर हैं या आप कोई फेमस पर्सनैलिटी हैं या आप कोई जमींदार हैं, यानी बहुत जमीन है आपके पास, बहुत सारे आपके घर हैं, बहुत फ्लैट्स हैं, बहुत बिल्डिंगे हैं, तो ऐसे योग में अखंड साम्राज्य योग को देखा जाता है। यानी अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में अखंड साम्राज्य योग बन रहा हो। और अखंड साम्राज्य योग का मतलब क्या होता है? अखंड साम्राज्य योग का मतलब होता है कि जहां पर आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी पहचान, आपका स्टेटस, ये सारी चीजें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं और कोई भी इसको बिगाड़ नहीं पाता, उसी को हम अखंड साम्राज्य योग बोलते हैं। अब अखंड साम्राज्य योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने अखंड साम्राज्य योग के बारे में बताया है और बहुत अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझने के बाद आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि अखंड साम्राज्य योग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अखंड साम्राज्य योग अगर हमें देखना है तो हमें पहले यह देखना है कि जो हमारा केंद्र भाव है, जैसे आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस, इनकी जो राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं, और 12 जो राशियां हैं वो तीन सेक्शन में अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे एक जो सेक्शन है वो आपका चर का है, दूसरा जो सेक्शन है वो आपका स्थिर का है, और जो तीसरा जो सेक्शन है वो आपका द्वि स्वभाव राशि होती है, यानी उसके दो स्वभाव होते हैं। तो चार राशि आपकी चर है और जो चार राशियां हैं वो आपकी स्थिर है, और जो चार राशियां हैं वो आपकी द्वि स्वभाव है। तो जो स्थिर राशियां होती हैं, जैसे टॉरस, जैसे लियो, जैसे स्कॉर्पियो और आपका कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, अगर ये चार राशियां आपके केंद्र भाव में आती हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एसेंडेंट अगर 2 नंबर होता है, यानी टॉरस, तो 2 नंबर अगर आपका एसेंडेंट है तो यहां की राशि क्या होगी, यहां की जो राशि है वो क्या होगी, 2, 3, 4, 5, यहां की राशि होगी आपकी 5, यानी ये भी आपकी स्थिर राशि आपको मिल जाती है फोर्थ हाउस में। अगर फोर्थ हाउस में 5 नंबर आता है तो यहां की जो राशि है वो होगी आपकी 8, यानी ये भी राशि आपकी स्थिर हो जाती है। और अगर यहां पर 8 नंबर है तो यहां पर होगा 11 नंबर। तो यानी जो आपका केंद्र है ये स्थिर राशियों के कंट्रोल में है। स्थिर मतलब जो राशियां हिलती नहीं है, जो मूव नहीं करती। तो आपका नाम, आपकी पहचान, आपका घर, आपका सुख, आपकी प्रॉस्पेरिटी, सेवंथ हाउस यानी आपका रिलेशन अपोजिट वर्ल्ड के साथ, और टेंथ हाउस यानी आपका किंगडम और आपका व्यापार। तो केंद्र भाव जो है वो स्थिर राशियों के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर यहां पर हम 5 नंबर डालते हैं तो यहां पर 8 नंबर आ जाएगा, यहां पर 11 नंबर आ जाएगा, फिर यहां पर आपका 2 नंबर आ जाएगा। अगर यहां पर हम 8 नंबर डालते हैं, 8 नंबर यहां आया, 8, 9, 10, 11, यहां पर 11 नंबर आ गया, 11, 12, 1, 2, यहां पर 2 नंबर आ गया, फिर यहां पर आपका कौन सा नंबर आया, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर यहां पर आ गया। अगर हम यहां पर 11 नंबर डालते हैं तो यहां की जो राशि है 11, 12, 1, 2, यहां टॉरस आ गया, फिर यहां पर आपका लियो आ गया, 5, 6, 7, 8, फिर यहां पर आपका स्कॉर्पियो आ गया। तो इस तरीके से अगर आपका एसेंडेंट टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो
या एक्रेस है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि आपकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बन सकता है। ये तो सिर्फ आपकी कैटेगरी है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे हमें यह देखना है कि आपका सेकंड हाउस, ये वाला हाउस, दूसरा आपका फिफ्थ हाउस, तीसरा आपका इलेवेंथ हाउस, यानी सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर तरीके से समझ में आए, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। तो इसलिए बीच की राशियों को मिटाना जरूरी है, तभी आप चीजों को क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, अब ठीक है मामला। तो जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी राशियां हैं लगन की और केंद्र भाव की, वो स्थिर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जो स्थिर जो राशियां हमें मिलती हैं, स्थिर जो राशियां हमें मिली हैं, उसके कारण जो सेकंड हाउस हमें मिला है, जो फिफ्थ हाउस हमें मिला है, जो इलेवेंथ हाउस हमें मिला है, इसकी भी जो राशियां हैं वो जुपिटर की राशि होनी चाहिए, यानी गुरु की राशियां। गुरु की राशि कौन? या तो आपकी सेजी या आपकी पाइसिस। गुरु की दो राशियां होती, या तो सेजी या पाइसिस, जो भी एसेंडेंट आपका बनता है। चार जो मैंने अलग अलग आपको राशियों के बारे में बताया है, उनका जो भी एसेंडेंट बनता है, जैसे आपका दो नंबर यहां पर है, ठीक है, दो नंबर यहां पर है तो यहां तीन नंबर आएगा, चार पांच छह नंबर यहां पर आएगा, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नंबर आपका यहां पर आ गया, तो गुरु का नंबर यहां पर आ गया। इसी तरीके से अगर आपका यहां पर पांच नंबर होता है तो यहां छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर आपका यहां पर आ जाता है, राइट, नौ नंबर यहां पर, यानी ये गुरु का नंबर आपको यहां पर मिल गया। अब आपका अगर यहां पर नंबर आठ नंबर होता है तो यहां पर आपको नौ नंबर मिल जाता है, गुरु का नंबर यहां मिल गया, दस ग्यारह बारह, फिर गुरु का नंबर आपको यहां भी मिल गया। फिर अगर यहां पर आपका ग्यारह नंबर होता है तो ग्यारह और बारह, गुरु का नंबर यहां पर आ गया, एक दो तीन यहां पर नहीं आया, चार पांच छह सात आठ नौ, गुरु का नंबर यहां पर आ गया। तो नौ और बारह नंबर इन तीनों हाउसेस में कहीं भी आ सकते हैं, और अगर इनके ऊपर अगर जुपिटर की प्लेसमेंट होती है, यानी जैसे 11 नंबर यहां पर आया तो जुपिटर अगर आपका यहां पर है, या जुपिटर अगर आपका यहां पर है, या जुपिटर अगर आपका केंद्र में है, केंद्र में अगर जुपिटर यहां का लॉर्ड है, 12 नंबर साइन यहां पर है और जुपिटर केंद्र में बैठा है, या 9 नंबर साइन यहां है, जुपिटर केंद्र में बैठा है, तब भी आप इस कैटेगरी के अंदर और आगे तक आ जाते हो। इससे आगे हमें और भी जाना है। इससे आगे हमें कैसे जाना है? इससे आगे हमें ऐसे जाना है कि हमें यह भी देखना है कि जो जो जुपिटर है, एक तो वो केंद्र में आना चाहिए, दूसरा जुपिटर की प्लेसमेंट या तो सेकंड हाउस में हो, या आपका फिफ्थ हाउस में हो, या आपका इलेवेंथ हाउस में हो। साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि मून की प्लेसमेंट कहां पर है, क्योंकि मून को देखना और समझना भी बहुत जरूरी है। आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड, आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, आपके इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड, अब यहां पर सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, और इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है। जैसे चार राशियां आपको यहां पर मिल रही हैं, एक तो टॉरस, दूसरा लियो, तीसरा स्कॉर्पियो और चौथा आपका एक्वेरियस। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड, जैसे पांच नंबर आपको राशि मिली तो सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या हुआ? वर्गो। वर्गो के कंट्रोल में आपका सेकंड हाउस का, मतलब वर्गो के कंट्रोल में आपका सेकंड हाउस है, और वर्गो का लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी। तो मरकरी की प्लेसमेंट को देखना है कि मरकरी मून से कितने अवे है। मरकरी आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड होता है, पर वो मून से केंद्र में आना चाहिए। जब हम चंद्र को यहां पर लेते हैं, या मरकरी आपका फर्स्ट हाउस में हो, या मरकरी आपका फोर्थ हाउस में हो, या मरकरी आपका सेवंथ हाउस में हो, या मरकरी आपका चंद्र के साथ ही प्लेस्ड हो, चंद्र अगर आपका यहां पर होता है तो मरकरी आपका इलेवेंथ हाउस में हो, मरकरी आपका सेकंड हाउस में हो, मरकरी आपका यहां पर आना चाहिए, क्योंकि ये एट्थ हाउस से सेवन एट नाइन टेन, हां टेन अवे है, ये टेन अवे है एट्थ हाउस से।
तो मरकरी आपका यहां होना चाहिए या मरकरी यहां पर मून के साथ प्लेस्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड मून से केंद्र भाव में हो या मून से या मून के साथ हो या मून से फोर्थ अवे हो या मून से सेवंथ अवे हो या मून से टेंथ अवे हो, तो सेकेंड हाउस और इलेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस, सेकेंड हाउस, इलेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस किसी भी हाउसेस के लॉर्ड, इसको ध्यान से समझना है। ये नहीं कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड भी मून से फोर्थ अवे हो और इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी मून से फोर्थ अवे हो और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी मून से फोर्थ अवे हो, ऐसा नहीं है। इनमें से किसी भी हाउस का लॉर्ड, किसी भी हाउस का लॉर्ड चाहे कहीं भी प्लेस्ड हो लेकिन मून से केंद्र भाव में होना चाहिए, या तो वो मून के साथ हो या मून से फोर्थ अवे हो या मून से सेवंथ अवे हो या मून से टेंथ अवे हो। अगर ऐसी पोजीशन बनती है, साथ साथ में ये एसेंडेंट आपका होता है और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर सेकेंड हाउस में होती है, जुपिटर की प्लेसमेंट अगर फिफ्थ हाउस में होती है, जुपिटर की प्लेसमेंट अगर इलेवेंथ हाउस में होती है या जुपिटर की प्लेसमेंट अगर केंद्र भाव में होती है, तब आपके चार्ट में अखंड साम्राज्य योग बन जाता है। और अगर मून से आपने देखा है, मून से वो चीज मैच नहीं करती कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड मून से केंद्र में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लगन से वो केंद्र में आ रहा है। जैसे सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका फोर्थ हाउस में है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका सेवेंथ हाउस में है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका टेंथ हाउस में है, तब भी आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, चाहे वो मून से केंद्र में हो चाहे ना हो। सेम इसी तरीके से अगर आपका इलेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, इलेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यानी अलग अलग, यानी इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अलग है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अलग है, अगर इसमें से कोई भी जैसे सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस, किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में प्लेस्ड होता है, तब भी आपके चार्ट में अखंड साम्राज्य योग बन जाता है। यानी इसमें आपको क्या देखना है, एक तो आपका लगन स्थिर होना चाहिए, स्थिर अगर आपको लगन मिलेगा तो चारों घर आपके स्थिर हो जाते हैं। जुपिटर या तो सेकेंड हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, इलेवेंथ हाउस में हो या केंद्र भाव में हो, सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड या तो केंद्र में हो या मून से केंद्र में हो, तब आपके चार्ट में अखंड साम्राज्य योग बन जाता है। साथ साथ में आपको शनि, राहु और केतु की प्लेसमेंट को भी देखना है, साथ साथ में आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को भी देखना है। जुपिटर कहीं शनि, राहु, केतु के साथ तो नहीं है या शनि, राहु, केतु का उनके ऊपर एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है या शनि, राहु, केतु का आपके केंद्र भाव में कहीं एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है या जो केंद्र में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो वक्री तो नहीं है, कंबस तो नहीं है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और आपका इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कंबस तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। इन सारी चीजों को आपको देखना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे कि आपका जो अखंड साम्राज्य योग है वो कितना स्ट्रांग है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अखंड साम्राज्य योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।